जैसे इसको चाबी को निकाल लेता हूँ, मैंने पूरी घुमा के चाबी यहाँ पे निकाल दी, तो आप दोस्तों इसी तरह से छोड़ के कार को बाहर से निकल जाते हो। दोस्तों आपको पता है कार के अंदर सिक्योरिटी करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों? आपको पता है डेली दोस्तों चोरी की चीजें लोग बाग चोरी करते हैं, कहीं पे चोरी की चीजें उठा लेते हैं, कहीं से एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं पे ले जाते हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों चोर ज्यादातर चोरी की ही कारों का यूज करते हैं दोस्तों, यानी आपकी कार कभी भी चोरी हो सकती है दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे दोस्तों आप अपनी कार को चोरी होने से बचा सकते हो। कहीं भी आपकी कार मार्केट में खड़ी है, आप किन किन चीजों का वहां पे ध्यान नहीं रखते हो बिल्कुल भी, जिससे आपकी कार हमेशा चोरी होने के चांसेस 100% हो जाते हैं दोस्तों। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा दोस्तों जिसकी वजह से आप अपनी कार को चोरी होने से बचा सकते हो। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो नहीं करा दोस्तों, हो सकता है कहीं इन फ्यूचर में आपकी कार चोरी ना हो जाए दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लो दोस्तों एक बार, 10-12 मिनट की वीडियो है दोस्तों, उसमें आप अपनी कार को चोरी होने से बचा सकते हो, जो कि दोस्तों आपकी कार आपकी जान होती है, आपकी दिल के बहुत ज्यादा करीब होती है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कार को हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं जितने ज्यादा अपनी GF को नहीं करते, तो इसलिए आप अपनी कार को किस तरह से सेफ रख सकते हो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ मेरे दोस्तों। सो हेलो गाइस, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है। अगर आप अपनी कार को दोस्तों घर से बाहर खड़ी करते हो या घर के अंदर करते हो या कहीं आफ्टर मार्केट में दोस्तों खड़ी करते हो कुछ टाइम के लिए या एक दो दिन के लिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। या आप किसी रिश्तेदारी में जा रहे हो दोस्तों जहाँ पे चोर वगैरह का दोस्तों बहुत ज़्यादा डर है, सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपकी कार चोरी होने के चांसेस है, आपके आसपास में चोर ज़्यादा रहते हैं, चोरी होने के चांसेस है, अगर आप अपनी कार को सेफ रखना चाहते हो दोस्तों, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से लॉक्स लगवा सकते हो आप अपनी कार के अंदर, या दोस्तों क्या क्या चीज़ें आप लगवा सकते हो कार के अंदर जिससे दोस्तों आपकी कार कभी चोरी नहीं हो सकती दोस्तों, तो आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप अपनी कार को बचा सकते हो दोस्तों चोरी होने से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। अगर आपको कार से रिलेटेड वीडियो चाहिए, इस चैनल पर बहुत सारी मिल जाती है, हो सके तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब कार की सिक्योरिटी की बात आए तो सबसे पहले दोस्तों कार के अंदर ही एक चीज मिल जाती है हमें इनबिल्ड, जो कि मिलती है दोस्तों स्टीयरिंग लॉक। स्टीयरिंग लॉक हमें मिल जाता है दोस्तों कार के साथ ही। उसके अलावा दोस्तों हमें बहुत सी जैसे एडवांस कारें हैं जो आजकल आने लगी हैं, मोस्ट पॉपुलर कारें, तो उनके अंदर दोस्तों GPS वगैरह भी हमें मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो पुराने टाइम की कार्स हैं उनके अंदर ऐसी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलती, लेकिन जो अब की कारें हैं दोस्तों उनके अंदर आपको मिल जाएगा, एक सिक्योरिटी के नाम पे मिल जाएगा आपको स्टीयरिंग लॉक दोस्तों। तो आपको किस तरह से लगा सकते हो, अगर आपको नहीं आता लगाना स्टीयरिंग लॉक, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सब कार के अंदर सेम है, सेम तरीके से लग जाते हैं दोस्तों स्टीयरिंग लॉक। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे दोस्तों। दोस्तों आपकी कार हमेशा इस तरह से होती है, यानी सीधी होती है, आप यहाँ से देख सकते हो। मैं जैसे इसका लॉक लगा देता हूँ कार को, मैंने निकाल ली चाबी इस कार के अंदर से, तो जैसे मैं मान लो एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ कार को, ऐसे ऑन है मेरी कार, ठीक है। अब मैं जैसे इसको चाबी को निकाल लेता हूँ, मैंने पूरी घुमा के चाबी यहाँ पे निकाल दी, तो आप दोस्तों इसी तरह से छोड़ के कार को बाहर से निकल जाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको राइट की साइड या लेफ्ट की साइड ऐसे घुमा देनी है। अब मैंने घुमा दिया, आपको आवाज़ सुनी होगी कट से, अगर नहीं आई मैं आपको एक बार फिर सुना देता हूँ। तो आपको जैसे अब मैंने इसमें लॉक लगा दिया, अब चाबी लगाओगे, अब कभी भी जैसे कार ऑन करनी हो तो एक बार इसको इधर की साइड करें, फिर चाबी को घुमाएं दोस्तों, आपकी चाबी घूम जाएगी। तो अब मैंने दोस्तों इसका लॉक खोल दिया है, फिर से आपको मैं फिर से चाबी निकाल देता हूँ और आपको आवाज़ सुनाता हूँ मेरे दोस्तों। तो आपको आवाज़ सुनी होगी दोस्तों, वो है इसका स्टीयरिंग लॉक जो कि अब लग चुका है, अब ये इधर से इधर की साइड ही रहेगी, कहीं पे भी आ जा नहीं सकेगी मेरे दोस्तों। तो अब आपको मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे। अगर आपने स्टीयरिंग लॉक तो चलो लगा लिया अपनी कार के अंदर, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लो आप अपने घर के अंदर कार खड़ी कर रहे हो, आप जैसे बैक कार खड़ी करते हो, बैक कार आप खड़ी कर रहे हो, तो पीछे की साइड आपके घर के पीछे की साइड मतलब कार के पीछे की साइड दीवार है, तो आप दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा बैक गियर लगा के और स्टीयरिंग लॉक लगा के खड़ी करो अपनी कार को। अब मान लो दोस्तों सिचुएशन अलग है आपके साथ में, आपके सामने दीवार है लेकिन आप पीछे की साइड खाली है, पीछे की साइड गेट है, तो दोस्तों आप फ्रंट गियर लगा के हमेशा कार को खड़ी करो और स्टीयरिंग लॉक लगा के खड़ी करो।
क्योंकि दोस्तों अगर कोई चोरी करके भी जाएगा तो स्टेयरिंग लॉक तो लगा रहेगा, वो स्टेयरिंग लॉक से तो इधर उधर कार को नहीं हटा पाएगा, हिला ही नहीं पाएगा। और कई बार तो ये होता है दोस्तों, स्टेयरिंग लॉक लग रहा है कार का, लेकिन दोस्तों वो करते ये हैं कि कोई भी गियर लग ही नहीं रहा कार के अंदर, तो वो दोस्तों ऐसा मतलब पीछे से कुछ हुक वगैरह करके ले जाते हैं और सीधी चली जाती है। और लोग बहुत ज़्यादा गलती ये करते हैं मार्केट वगैरह के अंदर या घर पे भी, ये वाली गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, वो कार का स्टेयरिंग लॉक कभी नहीं लगाते दोस्तों। सेंट्रल लॉकिंग है, सेंट्रल लॉकिंग करके चले जाते हैं वो लोग, और चले ही जाते हैं, यानी फिर कुछ कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, कभी भी जाओ घर से, आप खड़ी करके जा रहे हो, कार का स्टेयरिंग लॉक लगा दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है कार के अंदर। और कई कार्स के अंदर दोस्तों ये वाली सिक्योरिटी आ चुकी है, जो कि पहले भी आती थी कार्स के अंदर, कि आपकी जो सेंसर वाली जो सेंट्रल लॉकिंग होती है दोस्तों, उसके अंदर सेंसर होता है, वो सेंसर के बिना स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर उसके अंदर सेंसर नहीं है वो चाबी के अंदर, तो वो स्टार्ट नहीं हो सकती, यानी उनके अंदर सिक्योरिटी है पहले से तो। लेकिन बहुत सी कार हैं दोस्तों इंडिया के अंदर अब भी, जैसे हमारी टाटा नैनो है, ऐसे ऑल्टो है, ऐसे बहुत सारी कारें हैं दोस्तों जिनके अंदर ये वाली फीचर है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये हैचबैक कार है, एकदम सस्ती प्राइस के अंदर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं कंपनीज, तो सस्ती होने की वजह से दोस्तों इसमें सिक्योरिटी वगैरह उतना बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता उनके लिए। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूं मैं यहां पे, कि आप कौन कौन से लॉक्स वगैरह लगवा सकते हो। एक आता है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम GPS सिस्टम। तो GPS सिस्टम दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपनी कार के अंदर लगा लेते हो GPS ट्रैकिंग दोस्तों, उससे ये होगा आपकी कार दोस्तों कोई कहीं भी ले जाए दोस्तों, उसको दोस्तों एक ऐसी जगह प्लेसिंग करी जाती है, जैसे डैशबोर्ड के अंदर प्लेसिंग करवा दी, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे किसी को शक ही ना हो, तो आप दोस्तों अपनी कार को घर बैठे ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी जगह जा रही है दोस्तों हमारी कार। तो फिर आप पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म कर सकते हो कि हमारी कार जी यहाँ पे जा रही है, आप इसको ट्रैक करवाओ, और वहाँ पे कोई पुलिस वाला है तो उनसे रुकवाओ, कार को रुकवा लो दोस्तों, तो उससे दोस्तों आपकी कार सेफ हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब मैं कुछ ऐसे और ज़्यादा फीचर्स बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों आपका यहाँ पे गियर बॉक्स होता है, तो गियर जहाँ पे होता है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स वगैरह होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ दोस्तों आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, इस तरह के कुछ लॉक्स दोस्तों आप अपनी कार के अंदर लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट से मेरे दोस्तों, जो कि एकदम सस्ते प्राइस के अंदर भी मिल जाते हैं, यानी बजट प्राइस के अंदर मिल जाते हैं, और आपकी कार ज़्यादा एडवांस लेवल पे और ज़्यादा सेफ हो जाती है। तो उस चीज़ में दोस्तों लॉक्स लगवाने का सबसे आपको ये जानना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप, मैंने सेम पहले आपको बताया था कि अगर आपके दोस्तों सामने दीवार है, अगर आपके सामने दीवार है तो दोस्तों आप प्रेफर करो कि आप फर्स्ट गियर वाले, यानी आगे जो गियर लगते हैं फर्स्ट या सेकंड गियर, आप वो वाला लॉक लगवाओ कार के अंदर, ताकि वो दोस्तों जो भी लेके जाने वाला है वो बैक गियर ही ना कर सके कार का। इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर आपके पीछे साइड में दीवार है, पीछे की तरफ दीवार है, तो आप प्रेफर करो दोस्तों कि आप बैक गियर लगवाओ, यानी जो रिवर्स गियर है रिवर्स गियर में आप लॉक लगवाओ, ताकि कोई आगे ही लेके ना जा पाए कार को। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी कार की और ज़्यादा सिक्योरिटी एडवांस लेवल पे बढ़ा सकते हो। मैं आपने दोस्तों स्टेयरिंग लॉक भी देख लिया कि किस तरह से स्टेयरिंग लॉक भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों और कई फीचर्स आ रहे हैं, हम नई नई एडवांस तरीके से आ रहे हैं कार के अंदर, और आप दोस्तों अपनी कार के अंदर भी कई चीज़ें जैसे सेंसर लॉकिंग वगैरह भी लगवा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आप दोस्तों आप गियर लॉक ही लगवाओ, वो ज़्यादा बेटर होता है। एक दोस्तों यहाँ पे अलग और आता है, जो कि और ज़्यादा सस्ते प्राइस के अंदर आपको शायद मिल जाए। एक आता है दोस्तों टायर लॉक। टायर लॉक क्या होता है दोस्तों? टायर लॉक होता है दोस्तों टायर को एक ब्रेक कर देता है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा टायर लॉक दोस्तों, आपकी कार में वो लग जाता है तो आपकी कार ना आगे जा पाएगी ना पीछे जा पाएगी। उसके अंदर दोस्तों आप चाहे गियर लगवाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेफर मैं फिर भी यही करूंगा कि आप गियर वगैरह लगा, क्योंकि बहुत सारे चोर इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो कि दोस्तों स्टेयरिंग लॉक नहीं लगाते, वो दोस्तों शीशे के अंदर कुछ डाल के वहां से ठीक कर लेते हैं। कहीं पे आ रहे हो जा रहे हो तभी रखो ओरिजिनल पेपर्स, अदरवाइज कहीं पे खड़ी रख रहे हो कार को तो ओरिजिनल पेपर वगैरह रखने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों कार के अंदर, क्योंकि अगर आपकी कार के पेपर्स ही चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, बहुत सारे इलीगल काम हो जाते हैं जिसकी वजह से दोस्तों आपकी कार हो जाती है हाईजैक वगैरह, यानी कार चोरी हो जाती है। तो आपको याद रखनी है दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों आप लाइक करके बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की वीडियोस आती रहती है मेरे दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों हम इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।
cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.